गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर हियर टू कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर सेकंड टिश्यूज़। स्टूडेंट्स, हमने इसमें प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़ पढ़े हैं, जिसके बारे में हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़े थे। प्लांट टिश्यू में हमने दो टाइप्स पढ़े थे, मेरिस्टमेटिक एंड परमानेंट। तो मेरिस्टमेटिक हमारा हो चुका था, आज हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज़। देखिए स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, चेंज देयर शेप एंड साइज टू गेट स्पेशलाइज्ड इन परफॉर्मिंग अदर फंक्शन इन प्लांट्स बॉडी। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, वो अपनी क्या करते हैं, शेप और साइज चेंज कर लेते हैं। क्यों चेंज कर लेते हैं, कुछ अदर स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसे ही हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। कि सेल्स जो हैं, जो टिश्यूज़ हैं, वो अपना अपना अलग अलग फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो गई है, इसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। जो सेल्स होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो डिफरेंशिएट होती है टू फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। डिफरेंट टाइप के परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाती है, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, सेल्स जो होती हैं इनकी थिन होती है और थिक वॉल्ड भी होती है, लिविंग या डेड दोनों हो सकती है, और मैच्योर होती हैं ये। ये कैसी होती है, ओवल भी हो सकती है, राउंडेड भी, पॉलीगोनल भी, इलोंगेटेड फाइबर लाइक भी हो सकती है, जो परमानेंट टिश्यू होती है इनकी शेप है ना। द सेल्स हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस यानी कि गैप इनके बीच में पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दीज हैव वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसलिए वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म कहा जाता है। जो सेल्स होती हैं वो हैव लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, सो डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं ये परमानेंट, क्योंकि ये अब डिवीजन की पावर खो चुके होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गए हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेल्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ थ्री टाइप्स, सिंपल भी थ्री टाइप के होते हैं। तो पहले हम सिंपल पढ़ेंगे, दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंपोज ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, एक ही तरह की सेल के बने होते हैं सिंपल। और कॉम्प्लेक्स किसे कह रहे हैं हम, डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं उसके अंदर, लेकिन एक ही फंक्शन परफॉर्म करती है, एक ही टास्क परफॉर्म करती हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं। सिंपल टिश्यू में एक ही टाइप की सेल्स होती हैं, एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं, लेकिन इस सेम फंक्शन परफॉर्म करने की वजह से उन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहा गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आपका जो सिंपल टिश्यू मैंने अभी आपको बताया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। देखिए यहाँ आपको दिखाया हुआ अभी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रीन कलर से ये मार्क है। तो पैरेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू होते हैं, ये कैसे होते हैं, सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू आर लाइव, ये लाइव होती हैं, जिंदा होती हैं ये, ठीक है। परमानेंट, सॉरी, पैरेन्काइमा जो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल आपको बताइए, अभी बताया मैंने आपका सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, कि एक ही टाइप की सेल्स के बने होते हैं टिश्यूज़। ये कैसे होते हैं, ओवल होंगे, इलोंगेटेड होंगे और लूजली पैक्ड होंगे विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब इन सेल्स के बीच में स्पेस पाया जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। तो जो सेल्स होती हैं पैरेन्काइमा की, हैव स्मॉल न्यूक्लियस, छोटा न्यूक्लियस पाया जाता है, लार्ज वैक्यूल होती है एंड थिन सेल वॉल होती है। तो जो दीज टिश्यूज आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट, ये पूरे प्लांट में पाए जाते हैं, जो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू होते हैं आप, ठीक है। पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू का आप डायग्राम देख सकते हैं, देखिए जो ए डायग्राम है, ये पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा खासा पाया जाता है, वैक्यूल भी पाई जाती हैं, ठीक, इस तरीके से होती हैं ये पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इनका फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या करते हैं, सपोर्ट प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी को सपोर्ट करते हैं जो पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू होते हैं, स्टोर करते हैं फूड को, न्यूट्रिएंट्स को वैक्यूल्स में, ठीक है। और क्या करते हैं, समटाइम्स कंटेन क्लोरोफिल एंड दस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, है ना, पैरेन्काइमा क्या करती हैं, इसमें क्लोरोफिल भी होता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस भी कभी कभी परफॉर्म करते हैं। इस तरह के जो पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं उन्हें हम क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है, क्लोरेन, कोलन नहीं है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, क्लोरेन बोला है इन्होंने। तो क्लोरेन्काइमा जो होते हैं क्लोरेन्काइमा, वो एक तरह की क्या होती है, पैरेन्काइमा सेल जो डेवलप हो जाती हैं, क्लोरोप्लास्ट डेवलप जो कर लेती हैं पैरेन्काइमा सेल, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, इट इज़ फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स, लीव्स के मेसोफिल में पाई जाती हैं स्टूडेंट्स ये, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स की अगर हम बात करें, सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज़, पैरेन्काइमा जो सेल्स होंगी उसके अंदर, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर एयर कैविटीज़ ज़्यादा होंगी, विच अलाउ प्लांट्स टू फ्लड, ठीक है। तो प्लांट्स को
बहने में हेल्प करते हैं। सच पेरेन्काइमा टिश्यू आर कॉल्ड एरेन्काइमा। इस तरह के टिश्यूज़ को हम एरेन्काइमा कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया जो एयर कैविटीज़ होती हैं पेरेन्काइमा सेल के अंदर अगर प्रेजेंट हो विच ट्रैप एयर एंड हेल्प इन फ्लोटिंग। ठीक है, ये स्प्लेइंग गलत है, फ्लोट होगा, यहाँ पे फ्लड नहीं है, तो फ्लोटिंग में हेल्प करेंगे। इट इज़ फाउंड इन सर्टेन हाइड्रोफाइट्स। ये हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं मतलब जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, उनके अंदर पाई जाती हैं। तो वो सेल्स जो डेवलप हो वो पेरेन्काइमा सेल्स जिन्होंने अपने आपको डेवलप कर लिया है, जिन्होंने अपने आपको मॉडिफाई कर लिया है, किस में मतलब एयर कैविटीज़ उनके अंदर हो गई हैं और वो ज़्यादा एयर ट्रैप कर लेती हैं जिसकी वजह से वो फ्लोट करते हैं, तो वो एरेन्काइमा कहलाते हैं। ठीक है, एक एक टाइप की और होती है प्रोजेन्काइमा। प्रोजेन्काइमा क्या होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स लॉन्ग हो जाती हैं एंड टैपर एट बोथ एंड, दोनों किनारों से कैसी हो जाती है, टैपर हो जाती है। इट इज़ फाउंड इन पेरिसाइकिल ऑफ सम प्लांट। कुछ प्लांट्स की पेरिसाइकिल में पाई जाती हैं पेरेन्काइमा जो, सॉरी प्रोजेन्काइमा जो। तो पेरेन्काइमा जो है वो मॉडिफाई होकर क्लोरेन्काइमा एरेन्काइमा प्रोजेन्काइमा में कन्वर्ट हो जाती है और अलग अलग तरह के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, वो तो था क्लोरेन्काइमा स्टूडेंट्स, क्लोरेन CHLORN, क्लोरेन से याद रखिएगा क्लोरोफिल। ठीक, तो जो जिन पेरेन्काइमा सेल ने अपने अंदर क्लोरोफिल को डेवलप कर लिया है, मॉडिफाई कर लिया है अपने आप को, तो वो क्लोरेन्काइमा कहलाती है। सेकंड वन है स्टूडेंट्स आपका कोलेन्काइमा। ठीक है, जो कोलेन्काइमा होती हैं वो क्या करती हैं, सेल्स ऑफ कोलेन्काइमा आर लाइव, इनकी सेल्स भी जिंदा होती हैं, ये ओवल होती है, इलॉन्गेटेड होती है एंड टाइटली पैक्ड होती है। अभी हमने वहाँ पढ़ा था कि उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लेकिन ये वाली जो होती हैं कोलेन्काइमा, ये टाइटली पैक्ड होती हैं विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इनके बीच में कोई, इनके सेल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ये जो सेल्स होती हैं कोलेन्काइमा की, इनमें स्मॉल न्यूक्लियस, उसमें भी स्मॉल था, इनमें भी स्मॉल न्यूक्लियस है। लार्ज वैक्यूल इनके अंदर पाई जाती है एंड हैव थिन सेल वॉल बट थिक एट कॉर्नर। सेल वॉल थिन होती हैं लेकिन किनारों से मोटी होती हैं। कोलेन्काइमा टिश्यू आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीव्स एंड स्टेम, जस्ट एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है जो कोलेन्काइमा होती हैं। ये भी सिंपल ही है, यानी कि एक ही तरह की सेल्स के बनी होती हैं। इनका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करती है मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइड करती है फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स सो दैट दे कैन बैंड विदाउट ब्रेकिंग। तभी तो प्लांट जो झूमते हैं, आपने देखा है हवाओं में किस तरीके से, वो टूटते नहीं है ईजिली, क्योंकि वो उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो ये टिश्यू होते हैं, और वो हवा जब चलती हैं तो वो आराम से इधर उधर मूव करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं। इसमें आपको डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको, एक मिनट देखिए, जो बी डायग्राम है, ठीक है, ये क्या है, ये कोलेन्काइमा का डायग्राम है। इसमें अभी बताया था कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड है इसमें सिंपल जो हम पढ़ रहे थे, सिंपल का थर्ड पढ़ रहे थे टाइप स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं, जो सेल्स होती हैं स्क्लेरेन्काइमा की, वो कैसी होती हैं, वो डेड होती हैं, दे आर नैरो और इलॉन्गेटेड होती हैं। हमने वो दोनों पढ़ी लाइव होती हैं और ये स्क्लेरेन्काइमा डेड होती हैं। सेल वॉल जो होती है स्क्लेरेन्काइमा की, थिक होती है और हार्ड होती है। लिग्निन जो होता है, एक सब्सटेंस होता है केमिकल सब्सटेंस विच इज़ हार्ड ऑन द सेल वॉल। लिग्निन जो है क्या कर देता है, सेल वॉल को हार्ड बना देता है। एंड दिस टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, उसके चारों ओर पाई जाती हैं। वेंस ऑफ लीव्स, जो वेंस देखिए आपने लीव्स के ऊपर वेंस पाई जाती हैं, ठीक है, वो जो वेंस होती हैं लीव्स के ऊपर, वो हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स वहाँ पाए जाते हैं ये स्क्लेरेन्काइमा में। फॉर एग्जांपल स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू आर फाउंड इन कोकोनट हस्क, कोकोनट का ऊपर का वाला जो पार्ट होता है, भूसा जिसे हम कह देते हैं, उसमें पाई जाती हैं स्क्लेरेन्काइमा, क्योंकि डेड होती हैं और प्लस हार्ड होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, मेक्स पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, हार्ड बना देते हैं प्लांट्स के पार्ट को, स्टिफ बना देते हैं, प्रोवाइड, जाहिर सी बात है जब हार्ड है तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है स्टूडेंट, इसका डायग्राम देखिए, लास्ट डायग्राम इसका ये स्क्लेरेन्काइमा होती हैं, प्राइमरी वॉल सेकेंडरी वॉल ये हार्ड बना देती हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए डायग्राम भी बना लीजिएगा, बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं वो, अभी हमने सिंपल टिश्यू पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आज का था आपका सिंपल टिश्यू। बाय।